सन रक्त संबंध माने ये एक ऐसा अध्याय है जहां से आपके पूरे नंबर फिक्स हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से आएगा। और रक्त संबंध पढ़ाने के तरीके कई ठो हैं और अलग अलग किताबों में अलग अलग विधियां दी गई हैं। अलग अलग अध्यापक अलग अलग विधियों से पढ़ाते हैं और सबका तरीका भी अपना होता है। हम सबसे अलग पढ़ाते हैं और किताब में भी मिलेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। हमारा पढ़ाने का तरीका ही थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब रक्त संबंध पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यूपी टेट के सिलेबस में हमारा परिवार, याद होगा पर्यावरण सिलेबस में था हमारा परिवार। तो परिवार का पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप बच्चों के अपने परिवार के विषय में जाने, कौन से रिश्तेदारी कौन से नातेदारी किसे कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा घुमाता भी है और सिंपल ही पूछ लेता है। और हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जो मेरा मेथड है, पहले हम सीख लेते हैं हम आपको कैसे पढ़ाएंगे और आप कैसे पढ़ेंगे। तो सिखाने का जो तरीका मेरा है पढ़ने और पढ़ाने का, वो जैसे पीढ़ी होती है, पीढ़ी जानते हैं ना, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, तो मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ। मुझे सबसे आसान भी लगता है और कुछ लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, मिस्टर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं और अध्यापक अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है अगर पीढ़ी बाय पीढ़ी लगाएंगे तो एकदम आसानी से एकदम ब्लड रिलेशन सीख लेंगे। एक नंबर फिक्स है, उसमें भी ब्लड रिलेशन में भी समस्या आती है जब कहता इंगित करते हैं। वह एक राम एक महिला की तस्वीर को ऊपर इंगित करते हुए कहते हैं इसकी बहन की इकलौती बेटी का मैं वारिस हूँ या इकलौता पुत्र हूँ, तो उस चित्र वाली महिला से मेरा क्या संबंध है। यही क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे बहुत बाद में आया, मतलब यही क्वेश्चन नहीं लगा पाते थे। लेकिन अब जब मैंने यह विधि निकाल ली अपनी वाली, तो चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा अब वो लग जाता है। लेकिन सबकी लगाने की विधियां अलग अलग है। तो हम पीढ़ी बाई पीढ़ी अलग करने का मतलब है, मैं समझा देता हूं फिर प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। ये पीढ़ी बाई क्या होती है, जैसे ये हो गए आप, ठीक, आप हो गए। ये आपके अगर कोई भाई या बहन है तो ये एक पीढ़ी के बंदे हैं। कौन सी पीढ़ी के? ये एक पीढ़ी के बंदे हो सकता हो, चाचा का लड़का हो, मामा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, उससे हम एक लाइन में रखेंगे ये एक पीढ़ी के वंशज, ठीक। इसके बाद इनके पिताजी, ध्यान समझिएगा, पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। इनके पिताजी, पिताजी प्लस डिनोट करते चलिए, इनके जो पिताजी हैं ये इनके भी पिताजी हैं और इनके भी पिताजी के तीनों सगे भाई हैं। तो यूपी टेट में एकदम सिंपल सा पूछेगा, राम और राम, राम के पिता के तीन लड़के हैं, राम के पिता के तीन लड़के हैं, कौन कौन? राम के, अच्छा राम, राम के पिता के तीन लड़के हैं, राम दो भाई है, श्याम और मोहन। तो श्याम और मोहन का भाई तीसरा कौन है? एकदम मतलब रजनी का मतलब एकदम इजी पूछेगा, घुमा के पूछता है। लेकिन वो सब अब छोड़ दीजिए। अब अगर जो इन 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 तीनों के पिता ये हैं तो जो इनकी माता होंगी वो भी इस पीढ़ी में आएंगी। अगर ये इनके पिता है तो इनके भी पिता और इनके भी, अगर ये इनकी माता है और तीनों की अगर ये माता है, ये दोनों क्या हो गए आपस में? बात समझते चलिएगा, ये दोनों एक पीढ़ी में। अब इनके इनके पिता माने इस महिला के पति के जो भाई हैं, इनके क्या लगेंगे? अब वो सब नहीं बता पाएंगे हम, हाँ अब, लेकिन ये हम जानते हैं इनके चाचा लगेंगे। इनके माने पिता का भाई चाचा लगेगा और इनकी बहन अगर है इनकी बुआ लगेंगी, इन तीनों की बुआ लगेंगी, ठीक है। अब बुआ का लड़का इनका भाई, बहन है तो अब इनके ये क्या लगेंगे? इनके तो चाचा हुए, ये क्या होंगे? जैसे ये दो प्लस है ये माइनस, माने प्लस माने पुरुष माइनस माने, तो ये इनके क्या है और ये क्या है और इनके भी क्या है और, ठीक। अब इधर आते हैं, ये एक पीढ़ी हमने इधर खसका, ये पिता की पीढ़ी की तरफ अग्रसर हुए, अब माता की तरफ बढ़ते हैं। अब इनकी बहन कैसे? मौसी। लेकिन हम उन्हें एक पीढ़ी में डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वह इसी पीढ़ी के हैं, ध्यान दीजिए ये इसी पीढ़ी के हैं, इसलिए एक पंक्ति में रखेंगे, ठीक। अब आगे इनके, ये इनके बहन है, अब इनके अच्छा पति बाद में, पहले भाई बनाते हैं, क्या लगेंगे?
और ये क्या लेंगे उनके भांजी, माइनस है, और ये क्या लगेगा भांजा लगेगा। ठीक, अब इनकी देखिए दो तरफ तीर खोल देने का मतलब है क्या है, पति पत्नी, ये माइनस इनकी पत्नी है मामी। ठीक, मामी का लड़का ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई ममेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, ये कौन थी मौसी, अरे मम्मी की बहन मौसी, और मौसी के हस्बैंड, हाँ ये इसी पीढ़ी में रहेंगे, मतलब ये अगर मौसा बनाओगे तो इसी पीढ़ी में बनेगा, ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ एक पीढ़ी डिनोट कर रहा है, यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरे एक पीढ़ी के हो गए। तो हमें जब पढ़ना होगा हम इसी तरह निरूपित करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग लगा लेंगे, क्या ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, क्या क्या, एक पीढ़ी नीचे है उसके बाद। तो ये इनके क्या हो गए, पिता, पिता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो चाचा और चाचा चाची और फूफा बुआ, चाचा का लड़का चचेरा भाई, बुआ का लड़का फुफेरा भाई फुफेरी बहन, इधर आते हैं मौसेरा भाई फुफेरा भाई या फुफेरा फुफेरी बहन, ममेरी बहन या ममेरा भाई। ठीक, और यह दाएं तरफ या बाएं तरफ किसी भी तरफ बना सकते हैं, डोनेट आप इधर, मतलब इधर प्रदर्शित करें चाहे इधर करें, वो आपके ऊपर है, आप पहले इधर प्रदर्शित करते हैं या आप ऊपर चलते हैं। अब इनके पिताजी इस खानदान के ऊपर, इनके पिताजी इनके और इनके, अब इनके ससुर के ससुर, हाँ अब भैया आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते, ससुर, चलिए तो ये इनके क्या हुए, देखिए इनके पिताजी और इनके ससुर, अब देखिए इनके पिताजी इनके और इनके और इनके और इनके, ठीक देख रहा है ना, इनके नाना और इनके और इनके, अरे जो इनका इनसे है वो इनका इनसे होगा, क्या होगा, अरे कहाँ जी आप क्या हुए। ठीक, इधर आते हैं इनकी वाइफ, इनके इनकी माई, इनकी माई और इनकी दादी और इनके, अरे भैया ये तीनों भाई बहन हैं, इन तीनों की माई अकेले है ये। ठीक, और ये इनके और ये इनके क्या है, हाँ अब इधर आते हैं, ये है, ये इनके क्या है नानी, और ये इनके क्या है, हाँ ठीक समझ में आप लोग को। अब इनके ये क्या है और इनके ये क्या है और इनकी ये क्या है, ये है आप लोग बताइए जरा, देखिए ये बच्चे के, ये देखिए ये लड़के के क्या है मौसी, मौसी हो गए, और लड़के का दादा क्या लगेगा, इनके भी ससुर लगेंगे। अच्छा भाई आप लोग बेहतर बता सकते हैं इन लोग की अपेक्षा। अच्छा चलिए हो गया, ये हो गया, क्लियर हुआ इतना, इसी ये समझ लीजिएगा इसी के आधार पर पूरा रक्त संबंध आपका हम खत्म कर देंगे। लेकिन बस एक बात हमें बता दीजिएगा, हम जो भूल जाते नहीं जानते, एक होता है जेठान एक होता है देवरान, इसमें कैसे बनेगा, हाँ चलिए वैसे तो नहीं आता बड़े कृष्ण, लेकिन एक देवरान जेठान और ननद तीन और होता है। ठीक अभी प्रश्न आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन ये अब अच्छा इसी पीढ़ी में आएंगे लेकिन ना, हाँ जो भी होगा। अच्छा हाँ इनकी ये ननद लगेंगी, मतलब ये अब जैसे भी होगा क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे हम बोल गड़बड़ा जाएंगे। ठीक आप प्रश्न लिखिए, पहले हम इजी प्रश्न से शुरू करते हैं फिर टफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है पहले सरल प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे फिर हम किधर बढ़ेंगे, कठिन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बस पीढ़ी याद रखिएगा कि किस पीढ़ी में किसको निरूपित करना है, किसको डोनेशन, किसको प्रदर्शित करना है, पीढ़ी बहुत मायने रखता है। अगर पीढ़ी समझ में नहीं आएगा हम आप नहीं कर पाएंगे। लिखिएगा सोहन मोहन का पिता है, सोहन सोहन मोहन का पिता है, सोहन
मोहन का पिता है, सोहन मोहन का पिता है, मोहन का चाचा, मोहन का चाचा, मोहन का चाचा, सोहन का क्या होगा? अरे ठीक है, धीरे बताइए, मतलब एकदम इजी से बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक एक स्टेज कैसे लेगा ये? मिटा दे इसको ना, अब इसका यूज हम लोग करेंगे। बताइए क्वेश्चन क्या था? देखिए, जो सोहन है ये क्या है? मोहन का पिता। देखिए एक पीढ़ी ऊपर कर दिए, सोहन मोहन का पिता है, ध्यान दीजिएगा। एक पीढ़ी ऊपर आ गए, और क्या? मोहन का चाचा, चाचा माने बाऊ का भाई या पिता का, चलिए पिता का भाई क्या हो, कौन है? मोहन का सोहन मोहन का पिता है, और अच्छा मोहन का चाचा माना यक्ष है, तो यक्ष क्या हो गए? सोहन के भाई। समझ में आया? तुरंत पीढ़ी बन गई। अगला क्वेश्चन और टफ करें, अभी सुनो सरल ही दीजिए। अच्छा, यदि मीनी और चिंपी चचेरी बहन है, मीनी और चिंपी चचेरी बहन है, तो चिंपी मीनी के पिता की कौन है? मीनी के पिता की कौन है? अब जो महिलाएं तुरंत बिना पेन उठाए बता लेंगी, सोचे खाली, और हम लोग को लगाना पड़ता है, हम साल करके तवे जान पाते हैं, और हम लोग तुरंत बता लेंगे। हाँ ठीक, अब इसका फैमिली हमारी तरह रहेगा, कौन ही बता पाएगा? छोटा परिवार सुखी परिवार। आगे लिखिएगा, ये आगे सबका बना दिया जाए डायग्राम। पढ़िए क्वेश्चन, आप पढ़ दीजिए। देखिए ये मीनी हो गई और ये चिंपी हो गई, दोनों कौन सी बहन है? चचेरी बहन है, माने इनके बाऊ और इनके बाऊ, इन दोनों के बाऊ आपस में क्या है? भाई है। और क्या पूछा है अब? मीनी के पिता की चिंपी क्या लगेगी? अच्छा, मीनी के पिता की चिंपी क्या लगेगी? क्या लगेगी? भतीजी लगेगी, बहुत से आप तो बहुत तेज हैं आप लोग। ठीक, आगे चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। शंभू मीरा का भाई लिख लीजिए, जब टफ होगा समझ में आएगा। शंभू मीरा का भाई है, यदि शीला कामा जो मीरा की बहन है कामा बहन है, रमेश की भतीजी है, तो शंभू का रमेश से क्या संबंध? ठीक, अरे तो शिक्षण विधि हमारी कौन सी है? सरल से कठिन की तरफ है ना, कौन सी विधि कहलाती है? आगमन विधि है ना। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे हैं और लगा तो लेंगे, जब इंगित करेगा, जब एक्स वाई डिनोट करना होगा तब गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं, हमको एक तरह से चलना होगा स्टेप बाय स्टेप। आ गया, पढ़िए क्वेश्चन। देखिए शंभू जो है, यस रिपीट करते हैं, शंभू क्या है? मीरा का भाई है, लिखी देते, रुक जाइए। शंभू मीरा का क्या है? भाई है। हाँ, देखिए शीला जो है मीरा की बहन है, अगर शंभू की बहन मीरा है और मीरा की बहन शीला, इन दोनों की बहन ये हुई। आगे, हाँ अच्छा, ये रमेश की भतीजी है शीला। अच्छा, ये रमेश जी है,
ये इन तीनों के बाहू के भाई हैं। ठीक, अब क्या पूछा है? अच्छा, शंभु का रमेश से क्या संबंध है भाई? ठीक, सुनाया, बहुत तगड़ा लगाते आप लोग, अभी बताए भी उलझाते हैं आप लोग, भी थोड़ा सा बढ़ जाइए, अभी नहीं इतना आसान नहीं, अभी अभी एक सरल बोल देता, एक थोड़ा सरल लिखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है? पूरा लास्ट देखिए, लास्ट। हाँ, भतीजा होगा, भतीजा होगा ना भाई, रमेश का शंभू भतीजा है। ठीक, चलिए आगे देखिए, चाचा नहीं होगा, चाचा भी बता दे क्या? अच्छा, लास्ट लाइन पढ़िएगा, इसे फंसता क्या है, आखिरी लाइन पढ़िएगा, एकदम आखिरी लाइन, इसकी भतीजी शंभु का रमेश से क्या संबंध है, माने शंभु रमेश का क्या है, भतीजा, उसमें क्या लगा दिया करे लास्ट क्वेश्चन में, और आप विकल्प में चाचा भी था, विकल्प में चाचा भी है, तो शंभु रमेश का क्या है, भतीजा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, टफ कर देना, बहुत तेज है आप लोग। यदि मनीष कामा करुणा के भाई की इकलौती बहन के पिता का इकलौता दामाद हो तो मनीष और करुणा के बीच कौन सा संबंध होगा? गौरव क्या होगा? हाँ, अच्छा बताइए आप लोग। हाँ, और गौरव जी क्या बता रहे हैं? जीजा साला, कहाँ गौरव, अरे सुबह हो गई है। हाँ, अच्छा, और बताएं आप लोग, पति पत्नी, चले शुरू किया जाए लगाना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बढ़िया, देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो भुला जाता है, अब आना होगा किस पे, अपने सूत्र पे, मतलब अपने नियम। क्या क्वेश्चन बढ़िया? हाँ, यदि मनीष करुणा के भाई हैं, करुणा जी ध्यान देखिएगा, यदि मनीष करुणा के भाई हैं, अच्छा, अरे थोड़ी आधा कौन पढ़ रहा था, आप ही पढ़िए। यदि मनीष करुणा के भाई, अच्छा, यदि मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन है, बस इकलौती बहन है, मतलब मनीष जो है, अच्छा, चलिए फिर से एक बार पढ़िए पूरी लाइन, मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन के पिता का इकलौता दामाद, अच्छा, एक वहां साहब आवाज साफ नहीं आ रही है, आप पढ़िए पहले, आप पढ़िए, सुन पढ़िए, मनीष करुणा के भाई, अरे यार आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, रुकिए, यदि मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन, अच्छा मनीष करुणा जो है, करुणा के एक भाई है, ठीक, मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन है, अच्छा, मनीष जो है करुणा के भाई की इकलौती बहन, मनी के दो भाई हो गए ना,
कि इकलौती बहन हो गई है। अच्छा, एक दिन ऐसे होता है जैसे अगर दो भाइयों की एक बहन है तब भी इकलौती बहन होती है, और चार भाइयों की है तो भी इकलौती बहन ही होती है। ठीक, आगे और आगे क्या है? बहन के पिता का इकलौता दामाद। अच्छा, मनीष जो है करुणा, अरे यार पूरा तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मनीष कामा करुणा के इकलौते भाई की ना, अच्छा अच्छा देखिए जो मनीष है करुणा के भाई के इकलौती बहन ही हो गई, करुणा ही हो गई। हाँ, क्या पिता? देखिए इनका पिता करुणा का जो पिता हो गया उनका दामाद माने इनका हस्बैंड क्या होगा? इनका इकलौता दामाद होगा। ठीक, अब ये दोनों क्या होंगे? ये है मनीष। अब फिर से देख लीजिए, कह रहा है मनीष करुणा के इकलौते भाई के पिता, करुणा के भाई की इकलौती। अच्छा, करुणा जो है अपने भाई की इकलौती बहन है और इनके जो पिता का इकलौता दामाद, इकलौती बहन इकलौता दामाद हुआ, दामाद क्या हुआ? मनीष। ये दोनों पति पत्नी हो। ठीक, चलिए कामा का बड़ा मतलब होता उसमें दिया ना, करुणा सब एक सटा के पढ़ दे रहे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन। नहीं, रिश्तेदारी नातेदारी हमको थोड़ा सा बहुत कम आता है, ये जब तक डायग्राम नहीं बनता हमसे नहीं लग पाता, आलो बैठा के लगा लेते हैं। आगे क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, यदि तरुण कामा, यदि तरुण तरुण कामा वरुण के माँ का, यदि तरुण कामा वरुण की माँ के पिता का इकलौता पुत्र हो, तरुण की माँ के पिता का इकलौता पुत्र हो तो तरुण वरुण का कौन होगा? तो तरुण वरुण का कौन होगा? तो तरुण वरुण का कौन होगा? अच्छा, आप लोग तुरंत बैठा लेते हैं, लिखते लिखते सही है, जैसे भी लगाइए उत्तर आना चाहिए। हाँ, हुआ, क्वेश्चन पढ़ दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, अरे आप लोग मत पढ़िए, कोई काम वाला तो कौन पढ़ेगा, आप पढ़िए। हाँ, देखिए यदि तरुण क्या है, कोई तरुण व्यक्ति है। ठीक, तरुण क्या, आगे पढ़िए। वरुण की माँ, देखिए देखिए जो तरुण है एक वरुण है ना, तो वरुण के इनकी माँ के, ये माँ हो गई इनकी, इनके माँ के पिता माने प्लस, देखिए तरुण के माँ के पिता का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र तरुण हो, ये दोनों एक पीढ़ी के हो गए, तो माँ का भाई हुए, इनकी माँ हुई, माँ का भाई क्या हुआ? मामा हुआ। ठीक, समझ में आया? देखिए तरुण कामा लगा दिया, तरुण के कामा लगाने के बाद क्या कहा कि वरुण की माँ का पिता का इकलौता पुत्र तरुण है, तरुण का वरुण से क्या संबंध? यही था ना, समझ में आया? ठीक, समझ में आया सबको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ा जाए। एक विवाह समारोह में आजकल बहुत तेज होता है, एक विवाह समारोह में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, वह महिला मेरे चचेरे भाई के, वह महिला मेरे चचेरे भाई के, मेरे चचेरे भाई के ससुर की इकलौती बेटी है, ससुर की इकलौती बेटी है,
ससुर की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है तो उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? चार विकल्प लिखिएगा, चार विकल्प। भाभी, देवर, भतीजा, देवर भाभी। बताएं, बताएं आप लोग। नहीं, इसलिए मैंने चार विकल्प दे दिया कि उत्तर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उत्तर विकल्प में है। अब हमें बताइए कौन सा विकल्प सही है, बताएं, बताइए उत्तर क्या है। हाँ, अब हमें नहीं पता क्या, मुझे प्रश्न आपके सामने, विकल्प आपके सामने है। देवर अभी होगा ही नहीं, एक रिश्ता होगा देवर का। देवर सही है, ठीक। चलिए, कैसे? एक शादी समारोह में एक व्यक्ति ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, महिला को इशारा करते हुए कहा ना, वह महिला, माने महिला, वह महिला, जो महिला है, क्या है बताइए, जल्दी से पढ़िए। वह महिला मेरे चचेरे भाई, माने स्वयं जो व्यक्ति है उसका चचेरा भाई कोई, इसको भी हटा देते हैं, उसका चचेरा भाई कोई प्लस उसका कोई चचेरा भाई है, चचेरा भाई के चचेरा भाई के ससुर, ससुर का मतलब इनकी पत्नी के पिता, इनके पत्नी के पिता, ससुर के इकलौती बेटी, यह हो गई स्वयं उस व्यक्ति का, हाँ, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? वह महिला का देवर हुआ ना, इसकी ये भाभी, लेकिन इसका, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? वह अच्छा, व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है बताइए, व्यक्ति महिला का क्या है, व्यक्ति महिला का क्या है, क्या लगा दीजिए ना, व्यक्ति महिला का क्या है, देवर है। यही लास्ट लाइन पढ़ा जाता है, उसी में क्या लगा दिया जाता है, क्या होगा, वही लाइन में क्या होगा। ब्लड रिलेशन वास्तव में बहुत सरल है, आप उंगली पे लगा लेंगे, लेकिन जब दो रिश्ते देता है तब उंगली क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, कहाँ पता है, बताइए, लास्ट लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन पढ़िए, उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, महिला से क्या संबंध बताइए, महिला क्या लगेगा, हाँ क्या लगेगा, महिला का भाभी लगेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यही है, ब्लड रिलेशन का जो सबसे पेचीदा पहलू, अभी तो लगता बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, अभी दो क्वेश्चन गलत हुआ, अभी जीजा सारा लगा रहे थे आप, फिर अभी यहाँ कहा था, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ये चित्र दिख रहा आपको, ये मन ही मेरा रुका लागी, का लागी बताओ, हाँ हाँ, तो उत्तर बा। अगला क्वेश्चन, चलिए, एक विवाह समारोह में, एक विवाह समारोह में कृष्णा ने दूर से आ रहे, कृष्णा ने
दूर से आ रहे शंकर की ओर इशारा करते हुए कहा, शंकर की ओर इशारा करते हुए कहा, करते हुए अपने मित्र अर्जुन से कहा, सॉरी इशारा करते हुए अपने मित्र अर्जुन से कहा, अपने मित्र अर्जुन से कहा कि, कहा कि सिंगल इनवर्टेड कॉमा में शंकर जो मेरे दादा का, शंकर जो मेरे दादा का सबसे छोटा पुत्र है, का सबसे छोटा पुत्र है, कामा मेरी माता का पति नहीं है, कामा मेरी माता का पति नहीं है, पति नहीं है, तो बताएं कि, बताएं कि शंकर, बताएं कि शंकर कामा कृष्णा का कौन होगा, ऑप्शन लिखिएगा, पिता पुत्र, पिता पुत्र भतीजा चाचा, हाँ अब चाचा सही बताया आप लोग, अब चाचा सही, चलिए सर, हाँ नहीं नहीं केवल घुमाया, भूमिका बनाया, आगे अगला क्वेश्चन बोलिए, हाँ ये साल की इसको साल करे बोले, क्वेश्चन पढ़े आप लोग, क्वेश्चन पढ़े एक बार पुनः लगा दे इसको, एक विवाह समारोह में कृष्ण ने अर्जुन, मैंने अर्जुन का कोई मित्र था, ये कृष्ण थे, इनका कोई मित्र, देखिए ये कृष्ण थे, कृष्ण इनका कोई मित्र अर्जुन था, उसकी उसको बताते हैं क्या, इशारा करते हुए उसकी तरफ कौन आ रहा था, शंकर, तो शंकर को क्या बताते हैं वो, मेरे दादाजी, माने इनके बहू कोई है, फिर इनके बहू जी, माने पिता का पिता दादा का सबसे छोटा पुत्र, माने हो सकता है दो पुत्र हो, तीन हो, सबसे छोटा पुत्र, छोटा पुत्र मेरे माता का पति नहीं है, अब इनके माता की, माता का पति नहीं माने इनका पिता नहीं हो सकता, तो इनका पिता नहीं होगा, इनका भाई हुआ, तो ये यहां से देखिए क्या है, ये डायग्राम बन गया, अब लास्ट लाइन पढ़िए, देखिए ये कौन है, ये शंकर हो गए, हाँ अब क्वेश्चन पढ़िए, शंकर कृष्णा का क्या है, शंकर कृष्णा का क्या है, चाचा है, भतीजा मत लगा दीजिएगा, समझ में आया, समझ में आया ना, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आई, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए बस, एक क्वेश्चन लास्ट, चित्र में एक औरत की ओर इंगित करते हुए गौरव ने कहा, चित्र में एक औरत को इंगित करते हुए गौरव ने कहा, यह मेरी मां की, यह मेरी मां की इकलौती पुत्री है, यह मेरी मां की इकलौती पुत्र है, पुत्री है, तो बताएं कि, तो बताएं कि, तो बताएं कि चित्र वाली महिला का चाचा, चाचा का पुत्र, चित्र वाली महिला के चाचा का पुत्र, महिला के चाचा का पुत्र गौरव के पुत्र का क्या लगेगा, गौरव के पुत्र का क्या लगेगा, गौरव के पुत्र का क्या लगेगा, साल कर दिया जाए,
इसको सॉल्व कर दे फिर आप लगाइए। अच्छा, रिश्तेदारी में महिलाएं तेज होती हैं। ठीक, चलिए इसको पढ़िए तो सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्व कर देना डायग्राम से, नहीं आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बताइए, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। चित्र की तरह इशारा करते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे पिता की इकलौती बहन पुत्री। अच्छा, मेरी माँ भाई, देखिए ये हो गए गौरव जी, यह इनकी माँ हो गई, माँ की इकलौती पुत्री मानी इनकी बहन हो गई, इनकी बहन हो गई। हाँ, और पूरा पढ़िए। अब प्रश्न पे चली गई। हाँ पढ़िए, देखिए हमने क्या बनाया, गौरव के माता की एकमात्र पुत्री के जी। हाँ, हाँ, ये चाचा का पुत्र। अच्छा, चित्र वाली महिला के चाचा का पुत्र, महिला हो गई, इनका चाचा मान इन दोनों का बाऊ, इन दोनों का बाऊ है ना। अच्छा, इन दोनों का भाई, मतलब इनके बाऊ का भाई, इन दोनों के बाऊ का तभी इनका चाचा होगा। अरे पिता का भाई माने चाचा, हाँ बाऊ माने पिताजी। अच्छा, चाचा का ये हो गया पुत्र। हाँ, अच्छा गौरव के पुत्र का क्या लेगा भैया। देखिए ये गौरव हो गए, ये गौरव के चाचा हो गए, चाचा का लड़का, अब इनका क्या लगेगा, चाचा लगेगा भतीजा लगेगा, चाचा लगेगा भतीजा लगेगा। क्वेश्चन क्या है, चाचा लगेगा, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अब इससे संबंधित जो और प्रश्न बचते हैं वह किसी अन्य अगले दिन सॉल्व कर लेंगे, और हम ये आशा करते हैं आज आपका ये चैप्टर आपके हिसाब से ये अध्याय खत्म हुआ, क्योंकि अब आप कर लेंगे। कल एक बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है आज ही उसको खत्म कर देंगे लास्ट वीडियो में, उसमें 5 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां कम है। अगर वो आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आप सबके लिए बेहतर है यदि आपको लगता है तो ऑनलाइन क्लासेज हमारी प्रारंभ है, आप लोग भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, और आप लोग को समझ में आ गया ना। चलिए।